सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रियल लाइफ मैंडी पार्कर। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रियल लाइफ मैंडी पार्कर। तो आज हम जाने वाले हैं लोनावला। तो लोनावला हम लोग क्यों जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने एक विला बुक किया है, तो उसका नाम है SP विला। तो उसका जो विला का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ कि क्या सीन है विला का। वो तो विला में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको वो बताऊँगा अभी। तो विला में सबसे पहले हमें 4BHK मिल रहा है, 4BHK विला है, लिविंग रूम अलग से, और उसके बाद हमें बालकनी मिल रहा है, टेरेस मिल रहा है, और ऊपर से में हम लोग को लग्जरी जकूजी मिल रहा है, और ऊपर से हम लोग को प्राइवेट स्विमिंग पूल, हम लोग का प्राइवेट स्विमिंग पूल भी मिलेगा हम लोग को। तो जो विला है ना बहुत लग्जरियस है, तो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। मैं वहाँ पर जाने के बाद आपको पूरा विला का टूर कराऊँगा कि विला कैसा है, और विला हम लोग को इतना सस्ते में मिला है ना, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि मुझे विला कितने में मिला है। तो अभी हम मिलते हैं सीधा लोनावला में। तो मैं यहाँ पे इंट्रो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पनवेल में मुझे सब मेरे बागड़ बिल्ली मिल जाएंगे, मेरे सब दोस्त लोग मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे वो लोग इंट्रो देने को देंगे नहीं, क्योंकि बीच बीच में आएंगे उंगली करेंगे, मुझे पता है भाई। क्योंकि हम लोग 4-5 जन नहीं जा रहे, हम लोग टोटल 13 जन है, एक विला में हम लोग 13 जन जाने वाले हैं। तो विला आप सोच सकते हो कितना बड़ा है। तो मिलते हैं अभी हम लोग सीधा लोनावला में। साइड में लो। अरे नहीं भाई, अंदर आओ। अरे कौन है बाबल, फुड़े गए बाबल। हाँ ये कर लो पहले, ले फिर से आया, चल गाड़ी एक नंबर है, ब्रेक ना लगे, ब्रेक खाड़ कूड़ा है। अरे तुला फक्त बाइक येते, गजब बेइज्जती है। अभी हम लोग है ना विला जा रहे थे, तो विला जाते जाते हम लोग को ये ग्रीन पार्क मिला है होटल। तो पहले हम लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे विला पे। अभी हम लोग SP विला पे आ चुके हैं प्रॉपर। तो मुंबई से हम लोग निकले थे करीबन सुबह के 10 बजे, तो हम लोग को 2 घंटा लगा है मुंबई से SP विला को आने के लिए। और ये जो प्लेस है प्रॉपर लोनावला में है, और बहुत ही स्पेशियस विला है, बहुत ही लग्जरियस विला है। तो मैं आपको भी विला टूर कराऊंगा, प्रॉपर विला कैसा है कैसा नहीं। तो अभी चलते देखते हैं विला। तो सबसे पहले हम विला के अंदर जब आते हैं, तो ये हमारा एड्रेस है विला का। तो हमने सब पार्किंग पे लगाई हम लोग की बाइक, हम लोग जितने में हम लोग की जो बाइक थी उन्होंने यहाँ पे यार्ड पे लगाई। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल प्रॉपर एल टाइप में आप देख सकते हो, और स्विमिंग पूल पे आगे पीछे करने के लिए आपको प्रॉपर ब्रिज ही मिलेगा, ब्रिज दिखा रहा हूँ। और स्विमिंग पूल के सामने बराबर अपोजिट साइड पे आपको यहाँ पे बैठने के लिए, तो यहाँ पे आप प्रॉपर गोवा वाली फीलिंग ले सकते हो, देख सकते हो कितना स्पेशियस है, लग्जरियस है। और मेरे बाजू में मंगिया हुआ है उर्फ रंगा, मुझे बताओ तो दे विक्रम राठौड़। और मैं अभी आपको आगे का दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए भी आपको झूला मिल जाएगा झूलने के लिए। आइए अभी ऊपर जाते हैं। हमारा प्रॉपर ऊपर का साइड झूला का, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने स्विमिंग पूल, और यहाँ पे सामने विला,
और यहाँ से मैं सीधा अंदर भी जाता रूम के ऊपर से सीधा अंदर जा सकता रूम से। देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से चल के सीधा मैं मेरे रूम तक पहुँच जाऊँगा। अभी मैं आपको झूला दिखाता हूँ। तो ये है हमारा झूला, तो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो जब शाम में। ऊपर फुल फीलिंग है भाई, फुल फीलिंग। झूला तो इतना बड़ा है, मैं अभी आपको अंदर का रूम टूर कराऊंगा ना, आप देख के पागल हो जाओगे। और इतने कम प्राइस में हम लोग को विला मिला है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि हम लोग को ये विला कितने प्राइस में मिला है और प्रॉपर डिटेल दूंगा इस विला की। तो चलिए अभी मैं आपको अंदर का टूर कराता हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं विला के अंदर, एड्रेस किया हम लोग ने अभी जस्ट। तो ये है हमारा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में आपको पहला सबसे पहले ये प्यारे फ्लावर दिख जाएंगे व्हाइट कलर के, और उसके बाजू में आपको ये सब पेंटिंग वगैरह दिख जाएगी। और यहाँ पे एसी भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो लिविंग रूम में भी एसी अवेलेबल है। और यहाँ पे कोच है प्रॉपर बैठने के लिए, बहुत ही लंबा कोच है, आप देख सकते हो आराम से हम लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पे एकदम प्रॉपर पर्पल वाला मेरा फेवरेट कलर, तो यहाँ पे भी आप अच्छे से बैठ सकते हो। ये भी कोच बहुत स्पेशियस है और बहुत ही सॉफ्ट है। और ये हमारा डाइनिंग टेबल, तो यहाँ पे प्रॉपर चार्जर बैठ के खा सकते हैं और आप अच्छे दोस्त रहोगे। रुको, हाँ लंतर बोल गया, लंतर बोल गया। और यहाँ पे प्रॉपर और यहाँ पे हमारा 50 इंच का टीवी, सामने टीवी दिख रहा है। और यहाँ पे अच्छा खासा वॉच भी है। तो यहाँ पे बैठ के आप दोस्तों के साथ अच्छे से मैच देख सकते हो, मूवी देख सकते हो। और ये हो गया हमारा लिविंग रूम। तो अभी मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ। चलिए आइए, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। और यहाँ से हम लोग को बाहर का व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे मेरे दोस्तों बैठे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दोस्तों बैठे, वो अभी से मजा ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को एक कपाट मिल रहा है बहुत ही स्पेशियस। फर्स्ट बेडरूम में आपको सामने टीवी दिख रहा है, फर्स्ट बेडरूम में आपको टीवी है, प्लस एसी है, प्लस फैन है, प्लस कपाट है, प्लस अपना ये लैंप है। अभी लैंप थोड़ा सा यहाँ से, ये जो फर्स्ट बेडरूम है ना हम लोग का, यहाँ से आपको पूल का व्यू मिल जाएगा। आपके दोस्त पूल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप देख सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ भी आपको बाथरूम दिखाता हूँ। ये हमारा बाथरूम, बाथरूम भी आप देख सकते हो कितना बड़ा बाथरूम है, कितना क्लीन है। और मैं आपको सामने का दिखाता हूँ, मिरर। तो ये हमारा बाथरूम का मिरर, तो मिरर में आप देख सकते हो प्रॉपर आपको मिरर मिल जाएगा एकदम क्लीन। और ये शावर भी है प्रॉपर, और ये गीजर भी है। तो बाथरूम में आपको फुल फैसिलिटी मिल जाती है। ये बेडरूम दिखाया, तो अभी हम आते हैं किचन पे। वैसे ही अब आप अंदर आओगे ना, तो आपको ये अभी से वहां जा रहे हैं बीच में, आपको ये किचन मिल जाएगा, अपनी सही किचन है। और आपको ओवन मिल जाएगा, ये सब ड्रॉर्स है। और ये है हमारा गैस, और ये हमारा बेसन। आपको ना किचन में प्रॉपर किचन सेट मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे किचन सेट में क्या क्या है। अभी मैं यहाँ का ड्रॉर ओपन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे सब डिश अवेलेबल है, बाउल्स अवेलेबल है बड़े बड़े, नमक नमक हिमालय। और दूसरी जगह यहाँ पे देख सकते हो कांच के ग्लासेस, टी पीने के लिए आपको एक कप मिल जाएंगे। और जो बियर के शौकीन है, बियर के शौकीन जो बड़ा बड़ा ग्लासेस बियर पीते हैं, देखो तो यहाँ पे आप अच्छा खासा बियर भी पी सकते हो इस बड़े से ग्लास में। और बहुत कुछ है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बर्तन भी दिखाता हूँ, इस किचन से मैं आपको क्या क्या बर्तन मिलने वाले। तो ये रहा हमारा फर्स्ट बर्तन, ये रहा हमारा सेकंड बर्तन, हमारा फोर्थ बर्तन। बहुत बर्तन है अंदर, मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैं आपको कैमरा मार के दिखा दूँ कौन से बर्तन है अंदर, क्योंकि बहुत ही बर्तन है अंदर। तो ये रहा हमारा सब बर्तन। और यहाँ पे देखो प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट है, नाइफ बोलो, लाइटर बोलो, कैंची बोलो, स्पून बोलो, स्पून प्रॉपर डिश ऑयल भी देंगे यहाँ पे। और ये नहीं हमारे, और ये रहे हमारे अमीर लोग के स्पून जो यूज करते हैं एक्स वाई जेड, हम लोग तो यूज नहीं करते। हम लोग पता कौन सा भी स्पून से हम लोग काम चल जाता है, ये अमीर लोग के स्पून। प्रॉपर आपको स्पून का सेट मिल रहा है। और यहाँ पे नीचे आपको रोटी बनाना है, आप रोटी बना सकते हो, प्रॉपर आपको सेट मिल रहा है। देखो प्रॉपर आपको सेट मिल रहा है। और यहाँ पे कटर, कटर भी आपको अवेलेबल है। फ्रिज, और फ्रिज भी आप देख सकते हो कितना क्लीन है। और यहाँ पे इन लोगों ने हमारे लिए खास पहले से आइस क्यूब बना के रखा है, तो यहाँ पे चीनी सब लोगों ने रखा है, चटनी वगैरह। और यहाँ पे थम्स अप, दही वगैरह, टू को पहले से, मतलब ये तो हमारा सिर्फ अभी का नाश्ता पानी है।
असली माल तो अभी आने वाला है, माते बिस्तरी के आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको गर्म ठंडा पानी मिल जाएगा, प्रॉपर बिस्तरी का पानी रहेगा। तो आप रूम से ना आपको जो वो पूल के लिए मेरा वैसे हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम लोग सीधा पूल में आ गए। यहाँ पे सीधा हम लोग पूल पे आ गए, पूल के सामने देखो मैं आपको बोला था ना सामने बैठने को है, यहाँ पे ब्रिज है पूल का। और यहाँ पे भी आप प्रॉपर बैठ सकते हो, प्रॉपर यहाँ पे लंच कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, सब लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ का सीन मैं आपको बता दूँ, रात होगी ना लाइट होने के बाद यहाँ पे जो लाइटिंग रहेगी ना लाइटिंग, और लाइटिंग में आपको ये पूल वगैरह दिखेगा ना सब, तो इतना सही दिखेगा ना, इतना कड़क दिखेगा ना आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको रात का व्यू भी दिखाता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की साइड में, अभी हम आपको ऊपर का रूम का टूर कराता हूँ, तो चलिए आइए मेरे साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्यारे पर्दे, और यहाँ पे सनलाइट भी बहुत अच्छे से आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे आप जैसे आते हो तो सामने ही आपको एक बड़ा सा बेडरूम दिख जाएगा। ये देखो इनके आने के बाद आपको सेम यहाँ पे बहुत बड़ा कवर मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा सा बेड है। बेड देख के आपने कभी ऐसा जंप नहीं मारा तो आपने क्या कहला है, तो अभी मैं जाऊँ जंप मारने। बहुत ही कड़क कंडीशन में यहाँ पे आपको प्रॉपर बालकनी मिल जाएगा, यहाँ पे भी टीवी मिल रहा है, यहाँ पे भी एसी मिल रहा है, यहाँ पे पंखा मिल रहा है, और मास्टरूम का तो सेम ही सीन है। यहाँ पे आपको ना एक्स्ट्रा बेड भी मिल रहा है, देखो एक्स्ट्रा बेड भी मिल रहा है, ऊपर से लग्जरी झूमर टाइप है। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको दूसरा वाला रूम, ये हमारा दूसरा वाला रूम। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा कवर मिल जाएगा, यहाँ पे सामने टीवी, और ये हमारे सारे प्यारे फ्लावर्स, और ये हमारा अच्छा सा प्यारा सा पिलर। और यहाँ पे भी आपको बालकनी मिल जाएगी, देखो ये रहा हमारी बालकनी। और यहाँ पे भी एसी अवेलेबल है, यहाँ भी फैन अवेलेबल है, और यहाँ पे भी बेड अवेलेबल है, और ऊपर से हम लोग को लैंप भी मिलेगा दोनों साइड में। यहाँ पे प्रॉपर पेंटिंग है, और मैं बाथरूम का आपको सीन दिखाता हूँ, एकदम क्लीन बाथरूम है, एकदम क्लीन। क्या बोलते हो, एकदम क्लीन है कि नहीं? यस, देख वही तो बोल रहा हूँ, इतना प्यारा मिला है। मच्छर कभी सीन नहीं है आपको यहाँ पे, मॉर्टिन प्रोवाइड किया जाता है तो मच्छर आपको काटेगी नहीं, टेंशन मत लो। चौथा बेडरूम तो आपको तीन तो दिखाया, ये हमारा चौथा, यहाँ पे भी आपको बेड अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपको टीवी अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपको कवर अवेलेबल है, और यहाँ पे भी आपको पर्सनल बाथरूम मिल रहा है। तो हर एक बेडरूम में आपको पर्सनल बाथरूम मिल रहा है। तो अभी हम लोग टेरेस पे जाएंगे, तो देख सकते हो टेरिस भी कितना लंबा है। तो अभी मैं टेरिस पे आ चुका हूँ, टेरिस भी आपको प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट है, और यहाँ पे भी आपको टेबल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे अभी आप अच्छे से बैठ के छिड़क सकते हो। और यहाँ पे आप व्यू देखो झाड़ी वगैरह बाजू, मेरे बाजू भी है, और मैं आपको बोला था ना यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग को ये वाला सीन दिखता है, यहाँ से हम लोग पूरा झूलेंगे वाला सीन। तो ये हमारा पूरा विला का टूर। तो अभी हम लोग विला के अंदर की मस्ती दिखाएंगे, हम लोग यहाँ पे क्या क्या खाना बनाएंगे, हम लोग कैसे मस्ती करेंगे, और मैं सब डिटेल दूंगा, यहाँ का जाकूजी, यहाँ का पूल, यहाँ का फ्रिज, यहाँ का बारबेक्यू मशीन, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक रहिए, तो देखते हैं अभी क्या क्या देखने को मिलता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। I love you, I love you all.